सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वो भी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के बारे में। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का हम ट्रांसलेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा 6.7 एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो अब देखो, हमारा सबसे पहले होता क्या है, हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं क्या, जैसे हमारा डीएनए से डी अब हम ट्रांसलेशन में ली, हम पढ़ देंगे। हमने इतना अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, इससे पहला वाला लेक्चर। ठीक है, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आज का हमारा 6th लेक्चर होगा आई थिंक। तो डीएनए से हमारा क्या होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से जो होता है हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ये होता कैसे, ये देखो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया वो भी देख लेते हैं, क्या हम आगे पढ़ने वाले वो भी देख लेते हैं। तो देखो, मेनली डीएनए से आरएनए जो बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है हमारा उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। अब देखो, आरएनए बनता है तो कौन कौन सा आरएनए बनता है, मेनली मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का मेनली इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन इसकी हेल्प कौन करता है, एक होता है आरएनए जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, एक होता है टीआरएनए, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके, ये आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का हेल्प करते हैं ये दोनों। अब मैसे ये आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ना, तो मैसेंजर आरएनए ही होता है वो, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसके बाद क्या होता है हमारा, अब देखो मैसेंजर आरएनए जो मेनली होता है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे जो हमारे दे रखा है, मैसेंजर आरएनए मेनली जो स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये 5' से 3' एंड स्टार्ट होता है, एक तो ये भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देखने वाले हैं। और ये हमारा प्रोटीन जो फॉर्मेशन जो करता है, तो ये किसकी हेल्प से करता है, राइबोसोम की हेल्प से करता है, राइबोसोम की हेल्प से करता है, ये राइबोसोम की हेल्प से क्या करता है, ये राइबोसोम की हेल्प से करता है, राइबोसोम की हेल्प से करता है। अब राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो यही चीज़ हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का लाइन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स की बात करें, यानी प्रोटीन की बात करें, अब प्रोटीन ही कन्वर्ट किस में होता है, अमीनो एसिड्स में हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, अमीनो एसिड टू पॉलीपेप्टाइड, टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि हमारा जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो एक प्रोसेस है हमारा, जो कि मैसेंजर आरएनए से हमारे प्रोटीन में यानी अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब अमीनो एसिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है तो किस फॉर्म में होता है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, फिर इसके बाद देखा कि हमें फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर हम नीचे फिगर देखने वाले हैं आगे, द ऑर्डर एंड सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सिक्वेंस ऑफ बेसिस इन मैसेंजर आरएनए। अब देखो, ये हमने बात की ना, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की बात करता है मेरे, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस हमें बेसिस दिखते हैं, ठीक है, बेसिस हमें दिखते हैं, ठीक है। हमने पढ़े हैं बेसिस के बारे में, बेस पेयर सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो हम वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देख रहे हैं कि मैं द अमीनो एसिड्स आर जॉइंट बाय बॉन्ड। अब अमीनो एसिड्स क्या होता है, एक बॉन्ड से जॉइंट होता है, जो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से हमारा जॉइंट होता है क्या, अमीनो एसिड से होता है ना हमारा, अमीनो एसिड जैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड ऐसे ज्वाइन होते हैं, वो किससे ज्वाइन होते हैं, हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से जो होता है, वही सारे मिलकर हमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब देखो, हमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, हम लोग भी हैं तो हमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये अब ये हो रहा किसके, हमारे अंदर भी हो रहा है, प्लांट के अंदर में जितने लिविंग थिंग हैं उनके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, अब पेप्टाइड बॉन्ड को भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हमें कहाँ से मिलती है एनर्जी, देयर फॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, एएमपी से बन जाता है, एएमपी होता है एक एडीपी होता है, एएमपी होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, एडीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब तीन होता है, मोनो में सिंगल, डाई में तो दो होता है, ट्राई में तीन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस, अब देखो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अब हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो था उसको एनर्जी चाहिए था, वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, एटीपी से मिल रहा है, एंड लिंक्ड टू देयर कोजनेट
टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, जो कि एक प्रोसेस मैंने कहा था यहाँ पे, ट्रांसफर आरएनए जो और राइबोसोम आरएनए जो होता है, जो मैसेंजर आरएनए को क्या करता है, बनाता तो नहीं लेकिन इनका योगदान होता है, यानी कि हेल्प करता है ये मेनली इनका। तो टीआरएनए ए प्रोसेस कॉमनली कॉल, इसे कहते हैं चार्जिंग टीआरएनए, या इसे अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए जो कहते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हेल्प कर सकता है, ये चीज़ तुमको पूछ सकता है कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड को एनर्जी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें एटीपी से मिलता है, लेकिन उसको देता कौन है, टीआरएनए देता है। टीआरएनए को हम किस नाम से जाते हैं, चार्जिंग, चार्जिंग डीएनए से जाते हैं। अब देखो चार्जिंग, जो मोबाइल तुम चार्ज में लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो मोबाइल में एनर्जी जाता है, उससे चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा जो नाम है इसका, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है इसको, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इफ टू सच चार्ज टी आर एन एज। अब टी आर एन एज दो हमारे पास, कितने, दो टी आर एन ए हमारे पास हो गए, टी आर एन ए आर ब्रॉड क्लोज इनफ, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, एंड द फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बहुत पास पास होते हैं ना, वहाँ पे लगे होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यही जो डायग्राम था हमारा, यही हमारा क्या ट्रांसलेशन का डायग्राम है, इस डायग्राम को हम अच्छे से देखने वाले हैं। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़े थे यहाँ पे, हमने पढ़ा एक मिनट, हाँ, बिटवीन देम वुड बी फेवरेबल, ठीक है, वुड बी फेवर्ड इनर्जेटिकली एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट तुम्हें पता है, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को मतलब हमें कोई भी रिएक्शन करवाना तो कैटलिस्ट डालते हैं मिली, हम केमिस्ट्री में भी ये पढ़ते मिली, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इन्हांस, जैसे इन्हांस होता है हमारा जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजिली बन जाता है, तो रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो कैटलिस्ट डाला जाता है, वही एक तरह का कैटलिस्ट समझ सकते हो तो टीआरएनए को, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले हमारे पास क्या था, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, इस डायग्राम को मिली समझ लो। अब देखो ये हमारे पास जो ये दे रखा है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना, ये हमारा ये लार्जर सब यूनिट है, कौन सा है, लार्जर सब यूनिट कहते हैं इसको, सब यूनिट। और नीचे वाला जो दे रखा है ये हमको स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। अब एक चीज़ याद रखो, ये 5' से 3' एंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसमें स्टार्ट कोडोन होता है AUG, और हमारा क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन भी होता है, ठीक है, एक UTR भी होता है हमारा, ठीक है, ये चीज़ हमारी होते हैं, कुछ ही चीज़ को याद रखना। स्टॉप कोडोन में AUG स्टार्ट होता है, अगर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन के बारे में, स्टॉप कोडोन हमारे पास क्या होता है, AUU लिख देता हूँ यहाँ पे, AUAA हो गया, UAG हो गया, और UGA हो गया, UGA हो गया, ये तीन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन हमारे AUG होता है, ये चीज़ तो याद रखना कोडॉन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, अब ये लार्जर यूनिट हो गया और स्मॉलर सब यूनिट, 5' से 3' स्टैंड होता है। अब यहाँ पे मैसेंजर आने की बात करें, मैसेंजर आने में दिखिए, अब स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे होगा, तो स्टार्ट कोडॉन और UTR यहाँ पे, तो जो कि हमारा UTR कहाँ पे होता है, स्टॉप कोडॉन का ही काम करता है, जो कि हमारे लिखा है UAG और UGA होता है, स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, जो कि स्टार्ट में होता है। अब देखो इसमें तो हमारा क्या होता है, इसमें हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एटलीस्ट 80 यूनिट्स के करीब हमारे पास क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। अब देखो यूकैरियोटिक में अलग होता है, प्रोकैरियोटिक में अलग होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में अलग होता है, प्रोकैरियोटिक में अलग होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो हमारे पास अगर मैं 70S की बात करूँ, 70S हमारे पास ना प्रोकैरियोटिक में होते हैं, मेनली प्रोकैरियोटिक में होते हैं, और यही क्या होता है, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक हमारा हो जाता है हमारा 50S और एक हो जाता है हमारा A50S हो गया, ठीक है, S होता है सेडबर्ग यूनिट होता है, सेडबर्ग यूनिट, और एक होता है हमारा 30S होता है। अब ये S क्या होता है, सेडबर्ग यूनिट होता है, SVE होता है, SVE DBER GS सेडबर्ग्स यूनिट, ये जो यूनिट होता है। अब ये यूनिट क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन जैसे राइबोसोम होता है उसके यूनिट के अंदर जाता है, मिली उसके यूनिट के अंदर जाता है, फिर बनता है जाता है। अब इसमें देखो ना, इसी में हमारा क्या होता है, ये बनता जाता है, फिर आगे चलता जाता है, बनता जाता है, आगे चलता जाता है, बनता जाता है, आगे चलता जाता है, बनता जाता है, आगे चलता जाता है, तो ऐसे ही होता है। अब ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं किसका, अब हमारे पास होता है किसका, ये हमने प्रोकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक का देखते हैं, यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या होता है, 80 होता है,
80s होते हैं हमारे पास 80, इसमें से 80 में से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हो गए कितने, अब हमारे पास हो गए 80 में से 60 हो जाएंगे और इसमें से हमारे पास 40s हो जाएंगे। देखो अब, देखो अब तुम बोलोगे 50s है 30s, अब 50 किसके लिए हो गया, 50 हमारे लिए इसके लिए हो गया, बड़े वाले लार्जर यूनिट के लिए हो गया, और 30 हमारे लिए के लिए। अब देखो राउंड राउंड जैसे अप्रोक्स मान ले, अब देखो 50 और 30 कितना होता है 80, लेकिन 70 लिखे, लेकिन अगर अप्रोक्स माने तो कितना होता है 70 मान ले, तो 70 उस हिसाब से माना गया हमारा, ठीक है। लेकिन अलग अलग करने पर ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसमें भी देखो 60 + 40 कितने हो गए, ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, 60 + 40 ज़्यादा हो गया। लेकिन 60 किसके लिए हो गया, हमारे लार्जर यूनिट के लिए हो गया, सब यूनिट के लिए, और इसी हमारे जो 40 हो गया हमारे स्मॉल सब यूनिट के लिए हो गया। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, और सेट वर्क कॉन्स्टेंट याद रखना, ठीक है। और इसमें ना आरएनए होता है, क्या होता है, आर राइबोसोमल आरएनए होता है, इतना तो याद ही रखना, इतना तो हमें दे ही रखा है। इसके बाद हम आगे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है मगर अभी एनसीईआरटी पढ़ लें इतना, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो द सेलुलर फैक्ट्री, अब सेलुलर फैक्ट्री की वाले हैं, यानी सेल्स की फैक्ट्री, सेलुलर सेल्स की बात करें तो सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस प्रोटीन इन द राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम ही जो अब प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है, जो कि मैसेंजर आरएनए में होता है, हमारा हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आरएनएज एंड 18 डिफरेंट, अब इसमें क्या होता है 80 हमारे पास 80 जो होते हैं ना सॉरी 80 यानी 80 हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, 80 हमारे पास क्या होता है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, इतने याद रखना, 80 हमारे पास क्या होता है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। एंड इन, अब देखो 18 डिफरेंट प्रोटीन्स हो गए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, कितने प्रोटीन्स होते हैं और सेलुलर फैक्ट्री में हेल्प कौन सा है, तो राइबोसोम हेल्प करता है। अब इनएक्टिव स्टेट की बात हो रहा है, इनएक्टिव, अब एक्टिव स्टेट की नहीं, इनएक्टिव स्टेट की बात हो रहा है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट की बात हो रहा है। तो इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स, अब दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे लार्जर सब यूनिट, हमने जो देखा लार्जर सब यूनिट, एक होता है हमारा स्मॉलर सब यूनिट, हमने देखा स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। व्हेन, अब इसमें पूछ सकता है कि इनएक्टिव स्टेट में दो सब यूनिट होते हैं, कौन कौन से, लार्जर एक होता है, स्मॉलर होता है, ये चीज़ याद रखना। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स मैसेंजर, अब स्मॉलर सब यूनिट जो होते हैं इनकाउंटर, स्मॉलर जो सब यूनिट होते हैं इनकाउंटर करते हैं मैसेंजर, अब ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम ये होता है हमारा राइबोसोम, सॉरी ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, अब राइबोसोमल आरएनए होता है मेनली, राइबोसोमल आरएनए ही होता है ये, अब मैसेंजर आरएनए में ये हमारा क्या होता है, अब राइबोसोमल आरएनए, ये हमने टीआरएनए का हेल्प पढ़ लिया हमने काम, अब ये हमारा राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, राइबोसोम यानी कि बनाने में हेल्प करता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, अब राइबोसोम हेल्प करता है किसकी, मैसेंजर आरएनए की। तो यही लिखा है, तो व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स द मैसेंजर आरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगेंस, तो प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। देर आर टू साइट्स, अब दो साइट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट के, एक लार्जर सब यूनिट के, एक होते हैं स्मॉलर सब यूनिट के, फॉर सबसिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड एंड दस क्लोज इनफ एंड ईच अदर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड का हमने हेल्प पढ़ लिया, क्या ट्रांसफर आरएनए करता था टीआरएनए। अब इसके बाद देखा जाए तो राइबोसोम आल्सो एक्ट है, राइबोसोम हमारा ख्याल करता है एक तरह से क्या, किसका, कैटलिस्ट का, जिसके वास्ते एस का मतलब सेट वर्क्स यूनिट होती है, आरएनए की राइबोसोम आरएनए इन बैक्टीरिया इन एंजाइम राइबोसोम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो हमें पूछना पता होना चाहिए कि हमारे पास राइबोसोम आरएनए जो होते हैं उसके बाद कितने सब यूनिट होते हैं, 23 होते हमारे पास हो गया, जो कि फॉर्म करते हैं हमें राइबोसोम के फॉर्मेशन में करते हैं, वो भी बैक्टीरिया वाले में एंजाइम का काम करते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ए ट्रांसलेशनल यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन, अब स्टार्ट कोडॉन की मैंने बात पहले की थी कि स्टार्ट कोडॉन शुरुआत में होगा, यहाँ पे स्टार्ट, अब स्टार्ट कोडॉन तो स्टार्ट में ही चाहिए होगा, ऐसे तो नहीं एंड में चाहिए होगा, तो स्टार्ट कोडॉन हमें यहाँ चाहिए होता है, स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन हमने देख लिया UAA UAG UGA, हमारे पास ये तीन होते हैं, ठीक है, एंड कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, तो एक दो, ठीक है, और हमारे पास रीजन होते हैं जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कोड्स करते हैं, तो तीन चीज़ हो गया, एक चौथा चीज़ हमारा ये होता है UTR, ठीक है, ये भी है स्टॉप कोडन के पास ही होते हैं। एंड मैसेंजर आरएनए आल्सो सम एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं एंड जो कि रेफर किया जाता है किस पे, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसे UTR कह देते हैं हम। अब UTR होता कहाँ पे हमारे पास, UTR इसके पास होता है 3' एंड के पास, हमारे पास में ही लगा होता है, ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। द UTR आर प्रजेंट एट बोथ द 5' एंड, इसमें क्या रखा है, ठीक है, मैंने बताया कहाँ पे तुम्हें,
अब यूटीआर ना स्टार्ट होना, मेरे मेनली स्टार्ट कोडो मेनली मैंने बताया था मैंने कि स्टार्ट कोडोन तो यहाँ पे लगा होता है और एक स्टॉप कोडोन हमारे पे ऐसे होता है, यूटीआर हमारे पास यहाँ पे होता है, यूटीआर प्रेजेंट हमारे दोनों पे, यानी यहाँ भी हमारा यूटीआर प्रेजेंट प्रेजेंट है और यहाँ भी यूटीआर प्रेजेंट होता है। ठीक है ठीक है, कहीं कहीं पे ना बताया जाता है कि सिर्फ 3 डेज के पास ही होता है, लेकिन दोनों के पास यहाँ पे एनसीईआरटी में होता है तो दोनों याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो 5 डेज एंड के बाद हमारे पास ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूटीआर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टार्ट कोडाउन के पास भी, स्टॉप कोडाउन यानी 5 डेज के एंड के पास भी, 3 डेज एंड के पास भी होता है। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं फिर एक क्वेश्चन कि स्टार्ट कोडाउन होता कहाँ पे 5 डेज के एंड, स्टॉप कोडाउन कहाँ पे होता है हमें 3 डेज एंड के पास, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है ये हमारा अच्छा खासा प्रोसेस था। आगे आप देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर, ये शुरुआत का प्रोसेस, द राइबोसोम बाइंड हो जाता है टू द मैसेंजर एंड एट द स्टार्ट कोडॉन। अब शुरुआत में ही राइबोसोम किससे, मैसेंजर आरएनए बाइंड हो जाता है किसके साथ, मेनली मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए एयूजी यानी स्टार्ट कोडॉन उसके बाइंड होके आगे चले जाता है, इनिशिएट कर देता है ट्रांसफर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। इसके बाद राइबोसोम जो कि होता है वो इलोंगेट कर देता है, इलोंगेशन फेज में चले जाता है, वहाँ पे क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी अमीनो एसिड्स के फॉर्म में बदल जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफर आरएनए के थ्रू। इस स्टेज में क्या होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है अमीनो एसिड जो कि लिंक्ड होते हैं, मैंने कहा था ना लिंक्ड होता है, प्रोटीन से ट्रांसफर आरएनए में चेंज होता है किसके थ्रू होता है हमारे पेप्टाइड के थ्रू, टीआरएनए करवाता है, सिक्वेंसली बाइंड द अप्रोप्रिएट कोडॉन होता है मैसेंजर आरएनए का जो कि फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद टीआरएनए एंटी कोडॉन के साथ। अब बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, हमने पढ़ा है स्टॉप कोडॉन के हमारे पास और स्टार्ट कोडॉन के भी होते हैं, तो वही बेस पेयर हेल्प करता है टीआरएनए में एंटी कोडॉन में। ठीक है, द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, अब राइबोसोम मूव करता है कोडॉन, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन में। ठीक है, अब देखो मेनली ये प्रोसेस करता है, अगर 3D एनिमेशन हम दिखा सकते तो जरूर दिखाते हैं, कॉपीराइट का इशू आ जाता है इसलिए नहीं दिखाते। देखो क्या होता है मेनली इधर से ये आते जाता है, फिर ये बैंड होता है, फिर इधर से आता है बैंड होता है, इधर से आता है बैंड होता है, इधर से आता है बैंड होता है, अब चले जाता है ऐसे, तो ऐसे होता रहता है। ठीक है, आप लोग जाके जरूर देख सकते हो 3D एनिमेशन में। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इतना। तो द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द मैसेंजर आरएनए, द अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन ट्रांसलेटेड इनटू, अब देखो वन बाय वन ट्रांसलेटेड बाय पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिटेक्टेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर आरएनए। कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एट द एंड एंड ए रिलीज फैक्टर, अब यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर होता है, एंड स्टॉप कोडॉन, ठीक है, एंड टर्मिनेट खत्म, मतलब टर्मिनेशन टर्मिनल पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाता है ये, एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, यानी स्टॉप कोडॉन वहाँ पे चलेगा, यानी कि यू ए मतलब यूएजी हो गया, यूजीए हो गया, ये स्टॉप कोडॉन होता है वो जाके वहाँ पे स्टॉप कर देता है, तो यहाँ पे हमारा मतलब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया मेनली, तो हो गया तो ये ख़त्म हो गया, तो प्रोसेस ख़त्म। ठीक है, इस डायग्राम को अभी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।